Assalamu alaikum viewers, I am Sayyid Hassan and you are watching Sayyid Hassan YouTube channel. तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हम क्या समझ के आए थे, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कैसे हम सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं एंड फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, आज की क्लास में हम सिंपली जो हमारा ऑटो सम का एरिया रह गया था वो समझेंगे। ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, सम का फंक्शन है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्स है एंड मिनी है, ठीक है। ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे तो मोर फंक्शंस ऑप्शन हमारे पास शो हो जाएंगे। देखो ट्रू सम, सम में भी हमारे आगे के फंक्शंस है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे सीखेंगे, ठीक है। अभी आज हम कवर करते हैं अपना ऑटो सम के अंदर सम का ऑप्शन, के सम का ऑप्शन हमारा क्या करता है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करते हैं आज। लेकिन सम हमने यहाँ पे एक क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पे हमने एक शीट यहाँ पे सम के नाम की क्रिएट कर ली, ठीक है। आफ्टर डेट देखें हम कुछ यहाँ पे एडिटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें नेम लिख लेते हैं सम, हम कुछ नेम्स लिख लेंगे हम, ठीक है। आफ्टर डेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं रुपीज़, हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं पाक रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे हमने पाक रुपीज़ लिख लिया, मीन्स पाकिस्तानी रुपीज़। आफ्टर डेट यहाँ पे कुछ नेम्स हम डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं हसन, हसन के बाद हसनैन, देन उसके बाद भरत, कुछ नेम्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं असद, ठीक है। ये फाइव नेम हमने यहाँ पे लिख लिए। आफ्टर डेट अब रुपीस हम इसको डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 50 रुपीस हसन को डिफाइन कर दिया हमने, 60 हसनैन को, 70 भरत को, 90 असद को और 45 अली को। सो देन देखें यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं रुपीज़, जो हमारे यहाँ पे 50, 60, 70, 90 एंड 45 जो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई हैं, इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, ये हमने क्यों क्रिएट किए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हमारा ऑटो सम मीन सम का जो ऑप्शन है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको यूज़ करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं सम, यहाँ पर हमने लिख लिया सम, सम लिखा हमने यहाँ पर। सम लिखने के बाद आफ्टर डेट देखें हम यहाँ पे आते हैं, सम के बाद यहाँ आ गए, यहाँ हम आए, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम फॉर एग्जांपल जब हम सम का ऑप्शन, ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑटो सम, सम पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे ये 50 से लेके हसन वाले सेल के 50 को लेके ये अली वाले सेल 45 में G7 एंड G11 तक का ये सेलेक्ट करके हमें शो कराएगा। हम दिखा देते हैं आपको, जब हम सब हमने देखें 7 पे क्लिक किया तो G7 एंड G11 तक इसने सेलेक्ट कर लिया, 50, 60, 70 एंड 90, 45 को इसने सेलेक्ट कर लिया। देन अब ये क्या करेगा देखें, अब जब हम इस पर इंटर करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये फॉर एग्जांपल इसको सम कर देगा कुछ, ये मीन्स प्लस करके ही हमें शो करा देगा। अभी हम इंटर करते हैं तो इसने 315 हमें शो कराया, बिकॉज ऑफ इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो ये 315 हमें मिल वैल्यू देगा, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे सम का ऑप्शंस क्या करता है, सम हमारे कुछ वैल्यूज़ को सम करता है। देखें अगर अभी हम इसमें एडिटिंग करें, देखें 80 कर दिया, देन हमने सेल को हटाया, तो देखें यहाँ पे इसमें प्लस ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ऑटो सम यहाँ पे हो रहा है। अभी इसको हम 0 कर देते हैं, देखें वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम 45 कर दें तो वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। यहाँ हम अगर वैल्यू को यहाँ पे 200 कर दें तो देखें वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये 100 में 1000 में 1 लाख में या फिर 10,000 या फिर करोड़, इनमें नहीं, ये हमारे जितने भी हम वैल्यू हमारी होगी ये सब को सम करेगा। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू पे कर देता हूँ तो ये ऑटो सम सबको करेगा, ये एक वैल्यू को नहीं कि ये सिर्फ डबल डिजिट में सम करेगा, ये हर डिजिट में ये सम करेगा, ठीक है। सम का ऑप्शन हमारा क्या करता है, ठीक है, ये हमारे ईजी काम होता है जब हम कोई अपनी शीट बनाते हैं उसके अंदर जब हमें ज़रूरत पड़ती है सम करने की। हमने एम एस वर्ड में अब सीखा था टेबल्स के अंदर जब हम मार्कशीट बना रहे थे हमें सम करने पर हम प्लस कैलकुलेटर खोल के साथ में प्लस कर रहे थे, ठीक है, प्लस कर रहे थे ना। अगर हम यहाँ पे शीट बनाएंगे हमारे एम एस एक्सेल पे मार्कशीट, अगर हमें उसमें सम करना है तो बिल्कुल ही हम इजीली सम कर सकते हैं, जस्ट उस सेल के नीचे या उस सेल के बराबर में हम आके ऑटो सम का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हमारी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हम सम का ऑप्शन समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे एवरेज, आफ्टर इट काउंट नंबर्स, मैक्स एंड मिनिमम्स, तो ये हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लासों में हमारी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार के अंदर मिल जाए यूट्यूब के अंदर। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को कंप्लीट देखा करें। एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, एंड जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।